नमस्कार, इस वीडियो में आप प्राचीन दमिश्क के पुरातन काल का एक सामान्य डचित्रमाला देखने जा रहे हैं। यह एक परिचय है जो आपको बाद में नवनिर्मित वीडियो को समझने की अनुमति देगा। दमिश्क में पहले और दूसरे राजवंशों को डिरोन के अधिक दवस्तार सेडवक्त सद दक्या गया है जो इसे बनाते हैं। दमिश्क के पुरातन काल को डिडनी काल या प्रारंभिक राजवंश काल के रूप में ही जाना जाता है और वर्ष 3150 ईसा पूर्व वर्ष ए वर्ष 2890 ईसा पूर्व शतक शामिल है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक अवधि है जो प्राचीन दमिश्क के राजवंशीय इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है। उस समय दमिश्क के साम्राज्य की राजधानी डडनस या डिस शहर में कथित थी, जहां सरकार एक मजबूत राजशाही शखी के माध्यम से प्रयोग की जाती थी। डच से राजाओं के केवल दो वंशों द्वारा डवकरसत दक्या गया या राजाओं के इस समूह को प्रेम और दूसरे राजवंश इनहेंड मिस्र के एकीकरण ताश के रूप में पहला डिरोन माना जा रहा है। आइए अब इस राजशाही की दवशेरताओं और इसके विस्तार के बारे में और बात करते हैं। हम इस अवधि की शुरुआत में हैं और हम पहले से ही जटिल और प्रयावी राज्य संगठन की एक प्रणाली को देखना शुरू कर रहे हैं, जिसके केंद्र में एक राजशाही है जो उतनी ही मजबूत है जितनी इसे स्वीकार दक्या जाता है। दजस के चारों ओर राजनीतिक जीवन और समाज दोनों पर पूर्ण रूप से घूमते हैं। सद्भाव आध्यात्मिक जो प्राचीन दमिश्क के इतिहास और डवकास के दौरान लगे खतिर हो गया। हम ऐसे समय में कथित हैं जब ऐसा लगता है डक ऊपरी दमिश्क की प्राचीन शाही राजयानी निर्जेन ई ग्री हायरनपोलिस में मेक्सिस शहर में थियानांतरित कर दद्या गया या मेक्सिस उस थियान के पास कथित या जहां नील नदी अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाकर नदी के एल्टा का दन्माशन करती है जो इसे उमध्य सागर में लाती है। इसलिए यह प्रासंगिक यूरन नीरतक और युवाडिशक दवशेरताओं के साई एक एनक्लेव है जहाँ राजशाही का न केवल दनवास बखी प्रत्यक्ष दन्यंत्रणिया। इस दन्नशय में हमें इस तथ्य को जोड़ना होगा डक राजशाही का एक उत्कृष्ट सैन्य चरित्र या व्यक्तिगत रूप से राजा या उसके सबसे प्रत्यक्ष प्रतिद्वंदी होने के नाते जो दूर रखने के प्रयारी ये और एक दंडित तरीके से सीमाओं पर दन्यंत्रित खानाबदोश लोग एक के साई दक्षिणी और पूर्वी मोचों पर खानों और कीमती पत्थरों पर दन्यंत्रण हासिल करते हुए पड़ीमी मोचे पर लीडब्याई लोगों पर दवशेर ध्यान दद्या। दमिश्क एलिए याइन और दसेना वच्छमान अस्वान के शहरों को अवशोधित करते हुए पहले मोर्त्याड बंद की ओर बढ़ा। नूरबया की ओर दवस्तार के डले रणनीर तक दबंदु योड़ा क्री दर डवकास लेड़कन महत्वपूर्ण खनन और वार्डन खज्जक के द्रो के साई दू सरेडी और अहा मेनूरबया के अडियनों के प्रमाण है। खानाबदोश लोगों के डले यह ज्ञात हैडक अहा को लीडब्याई लोगों से श्रद्धांजलि दमली और उनके उत्तराधिकारी यायर नेलाल सागर में अडियान चलाया। ये अडियान आम तौर पर क्षेत्र मैखानों के शोर्ण से जुड़े इन अल दसनाई के समय मैखानों के दन्यंत्रण और लीडब्याई लोगों के खिलाए अडियान ई चल रहे हैं। स्पष्ट रूप से सर्वस्तारवादी आकांक्षाओं के साई एक तेजी से मजबूत राज्य ने ऊपरी दमिश्क के बीच एकीकरण के आयार पर एक सांस्कृतिक दत्तक नीडत तैनात की, जहां से राजशाही आई और डंचला दमिश्क दोनों क्षेत्रों के बीच इस आयसात रणनीडत को संयुक्त बनाने के डले कई उपाय डके गए। दजन मेंसेडनड खखत पर प्रकाश याला जा सकता है। उत्तर और दक्षिण के प्रतिद्वंदी प्रतीकों के डिरोन द्वारा अपनाना, जैसा डक डंचलेड मिस्र के लाल मुकु और ऊपरी दमिश्क के सिए द के मामले में है। एकीकरण के अलंकारक और प्रतीकायिक उत्सव अहा के शासनकाल में प्रमाणन वैवाढ़ गठबंधनों की नीडत राजा और दहत के क्षेत्रों के कुलीन सदस्यों के बीच दमर्शद दवा के माध्यम से, जैसा डकसाइज शहर के मामले में होता है, दजन हिंदेवी देवताओं का नाम दद्या जाता है जो मजबूत रिश्ते की दंडिता देता है राजनीर तक और यांशक क्षेत्रों के बीच। उसी तरह राजशाही शखी से संबंधित कुलीनों के बीच एक जूता सुदंडित करने के तरीके के रूप में कुलीनों के बीच दमर्शद दवा डके गए। ये एक और मोचाश टंचलेड मिस्र में मंडद्रों के दन्माशन द्वारा गठित दक्या गया या इस प्रकार न केवल थियापत्य रूपों का पुनरुत्पादन बखी समराई से संबंधित पुरोहित अडिजात वक्ष द्वारा अनुष्ठान और प्रशासन की पूरी व्यवथिया ई दवशेर रूप से शाही मकबरों में उत्तर और दक्षिण से थियापत्य शैली का समावेश। ये अभी दोस्त ऊपरी दमिश्क और सत्तारा टंचलेड मिस्र दोनों में कथित किए। वही देवता, वही मंडदर, वही कुलीन, वही पुरोधत आदेश, वही संस्कार, वही रूप और वही दंडी, इस प्रकार दोनों प्रदेशों की इयारना के स्तनी बन जाएंगे। ऐशव्यवथिया और समाज के संबनी में यह उल्लेखनीय हैडक दमिश्क की ऐशव्यवथिया राजनीतिक तंत्र सेडन किता से जुड़ी हुई है। डिरोन नेट संचाई के डले नहरीकरण कायों को बढ़ावा दद्या। इस प्रकार एक मजबूत और एकीकृत राज्य द्वारा प्रायोजित क्रीडर पैदावार में वृखद आदिशक संसाइनों तक पहुँच के माध्यम से एक ऐशव्यवथिया मेसल से प्राप्त
मुनाये के संग्रह से उत्पन्न होती है, जहां क्रीडर और पशुन क्षेत्र प्राइडमक उत्पादक ये जो डवगास के साई होगा। ईरे ईरे व्यापार के साई, उसी वृखत के परिणाम स्वरूप अडिशेर पूंजी की तलाश में हालांकि यह जल्द ही ढहतो के इकराव से उत्पन्न गृहयुद्धों में शाडमल हो जाएगा। पुरातत्व वर्ष 2900 ईसा पूर्व के आसपास मेकफिस केडनमाशन की पुदस्त करता है और इसलिए शहरी डवकास क्रीडर डवकास के अनुरूप है। दजस से खाद्य उत्पादों तक अधिक पहुंच और जनसंख्या की वृखद हुई है। इसके अलावा मेकफिस के पास सक्कारा शहर शाही दिन के मुख्य के द्रोमिन से किया व्यापार। ईरे रेबा दत्समेंदो मुख्य याराई नील नदी नूरबया और त्यागदित लेवे क्यू मध्य सागर की सबसे पूर्वी तीय पट्टी दत्समेब इसराइल जॉयशन लेबनान सीररिया और डिडलस्तीनी क्षेत्र शाडमल है की ओर। जहां तक नूरबया के साई व्यापार का संबंधी है, यह मुख्य रूप से उडम पर या पोन्नक क्रडमक मोडत्याडबंद नूरबया के साई सीमा पर एलिए या इन सेभुत आगे नेवगेशन को रोकते हैं। इसके या केडले ए लेवाये के साई व्यापार लकड़ी का मुख्य स्रोत या इस ऐश में पुरातन काल के अंत से चीनी दमट्टी के अवशेष पाए गए जो नावों के साई दत्त खाते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है दत्त इस समय एक तकनीकी क्रांडत हुई ई और व्यापार में ही वृखद हुई ई। नूरबया और दलक्षण और पूवी मोचे केडले सैन्य दवस्तार ने पत्थर और सोने के खनन को सुदंडित दकिया। अंतराष्ट्रीय व्यापार अपने ढसे के डले कांस उत्पादन के डले लकड़ी पत्थर और यातुओं के अलावा यातुओं और कीमती पत्थरों सहित लग्जरी वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कायशर गया। इसके अलावा सामाजिक कारणों से मांडस्कता अंत्येष्ट पनी अनुष्ठान और राजनीत तक या आदेशक पदानुक्रम के प्रदत्त बम के रूप में दत्त खावा शखी के प्रदर्शन के रूप में एक महान थियानीय मांग उत्पन्न हुई। दजस ने अंत्येष्ट वस्तुओं शाही मूर्तशों और सी केडनमाशन केडले समर्थक उद्योग को लायाखित दकिया। स्मारकों के प्रकार जो उत्पादक क्षेत्रों में सैन्य उपखथित के माध्यम से सुदंडित दके गए ये जनसंख्या की बुनियादी जरूरतों की संतुष्ट के संबंधी में खाद्य उत्पादन करों के रूप में राजनीतिक तंत्र में आया त्यागदित शाही दसलोस में संग्रहित दकिया गया और बाद में गैर ग्रामीण आबादी के बीच दवतरत दकिया गया। इस क्षेत्र में दशल्पकारों का गठन दकिया जानेगा जो लकड़ी और यातु के काम के लिए एक दवशेर तरीके से समर्थक ये बाकी की आबादी नदी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समर्थक क्षेत्र सेबनी ई जो काई हद तक राजनीतिक तंत्र सेना नौकरशाही और दंडित रूप से शाही परिवार सेबनी ई इंश के संबनी में इस समय शहरों और यांशक के द्रो के थियानीय देवताओं ने राष्ट्रीय महत्व लेना शुरू कर दद्या। अक्सर त्यागदित समयवाद या दवदिन्न मूल के देवताओं और पनियों के आयसात के माध्यम से सबसे प्रासंगिक मामलों में से एक और सरस का है जो उवशरता वाणिज्य और अडनवाइश रूप से मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित एक परोपकारी देवता है जो डंचलेड मिस्र के बुरसरस शहर से उत्पन्न हुआ या जो ऊपरी दमस्र के शहर के समान दवशेरताओं वाले देवता के साई आयसात दकिया गया या एबाइओस एक ऐसा शहर दजस ने डिरोन को दिनाने की जगह बनकर एक यांशक और अंत्येष्ट के द्र के रूप में अपने अधिकार को समेट कर दकिया। रॉयल्टी के प्रतीकवाद के ईतर ओरसरस और उसके बेहोरस को गोद लेने का तथ्य ई उतना ही महत्वपूर्ण शिया संयुक्तता इस समय सेठ के खलाई ओरसरस और होरस के बीच युद्धों का डमिक आकार लेना शुरू कर दद्या। हालांकि इसका अंतम शब्द बाद में है। यद्यप अब तक की गई हर टिप्पणी से सद्भाव और सहमत का एक दवचार डमलता है, इस समय आंतरिक संघर्ष के संकेतों का निरीक्षण करना संयव है जो एक दंडित तरीके से संबंधित प्रतीत होते हैं। डंचलेड मिस्र केडवरोई के साई के द्रियवाद की वकालत की ऊपरी दमस्र की राजशाही ये संकेत अदब के शासनकाल में स्पष्ट होने लगते हैं। दजने स्पष्ट रूप से डंचलेड मिस्र मेंडवद्रो का सामना करना पड़ा या कुछ मेलडलाप के संकेतों के बावजूद जैसे डक मेफियाई से उनकी शादी उनके उत्तराधिकारी सेमरखेत को दसनहासन के हड़पने वाले के रूप में देखा जाता है। इन दो राजाओं साई ही एक दथाई का को उनके पूर्व शवदक्षों की तरह ऊपरी दमस्र के अबीदोस शहर में दिनाया गया या इसमें जोड़ा गया है। रॉयल्टी द्वारा प्रतीकों की एक श्रृंखला का उपयोग जैसे डक इग्वान होरस और सरस का बेया और इजले इबल क्राउन के बजाय ऊपरी दमस्र के वाई क्राउन से संबंधित आबादी के डले ए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा शाडमल नहीं है। यह सब ऊपरी दमस्र की ओर राजशाही का झुकाव और डंचलेड मिस्र द्वारा राजद्रोह की प्रक्रिया को दशाशता है। यद्यप इन संकेतों को उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पतला कर दद्या गया है होयप्से के मवी और नेबरा को डंचलेड मिस्र में दिनाया गया या दिन जो बाद में हुई गनीर गड़बड़ी को रोक नहीं सके। पेरप्सेन नेगवान होरस को शाही दसम्बोलोजी से ही दद्या और उन्हें इग्वान सेठ के साई बदल दद्या जो होरस और सेठ के बीच युद्ध के दमिक को याद करता है।
यह इंडगत करता हैडक उनके उत्तराधिकारी जैसे के मा के तहत शुरू हुए गृहयुद्ध में एक त्यांशक चरित्र या एक युद्ध अधिक प्रदेशों के बीच की तुलना में एक इग्वान और दूसरे के अनुयायियों के बीच। दवद्रो ने ऊपरी दमस्र की राजशाही के प्राचीन यांशक के द्रनेजे शहर पर ई हमला डकिया, जो इसके परमान का एक दवचार देता है। अंत में खसे के मबल हुआ, जैसा डक दो मूर्तशों के आयार पर राहत से प्रमाणत है। दत्स में मृत दुश्मनों को दत्खाया गया है और दत्स में राजा को ऊपरी दमस्र के सीए द मुकुई पहने हुए दचदत्र डकिया गया है। दोनों का नाम खसेक्सम सेबदलना, दजस का अयश है एक शखी, जैसे जमुई का अयश है दो शखियां, और होरस के प्रतीकों की वापसी। यह इंडगत करता हैडक उत्तर केडवद्रोढ़ायों ने अपने प्रतीक के रूप मेंडलिया देवता सेठ जैसा डक राजशाही के होरस केडव प्रीतिया। अधिक इतिहास वीडियो देखने के लिए वीडियो डवरन में मेरे चैनल पर जाया। अगला वीडियो डमस्र केडिरोन का पहला राजवंश।